नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कमल नंदलाल आप सभी दर्शकों का कुंडली टीवी के स्पेशल प्रोग्राम किस्मत जंक्शन में वेलकम करता हूं। आज गुरुवार का दिन है, तारीख 8 नवंबर 2018 और उस दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के उपलक्ष्य में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व मनाया जाएगा। दीपावली के दूसरे दिन ब्रज तीर्थ क्षेत्र में गोवर्धन पूजा विशेष रूप से मनाई जाती है। इस दिन बलि प्रतिपदा भी मनाई जाती है। वामन अवतार बलि को पाताल भेज चुके थे। विष्णु बलि को पृथ्वी पर रहने के लिए 3 दिन की अनुमति भी प्रदान करते हैं। विष्णु द्वारा दिए गए वरदान के कारण कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन बलि के साथ उनकी पत्नी विंध्यावली के छवि चित्र के 5 अलग अलग रंगों से सजाकर पूजन करने का विधान है। इस दिन दीपावली दूत क्रीड़ा भी मनाई जाती है। इसी दिन महादेव ने सर्वप्रथम स्वयं चौसर का निर्माण करके माता पार्वती को दिखाया था। चौसर 96 खानों वाला 24 कोष्टकों में 4 सिरों में बटा होता है, जिसमें 4 रंगों की 4-4 गोटियां और 3 पासों से खेला जाता है। इसे चौपड़ भी कहते हैं। महादेव ने पासों का निर्माण अपने नागों के पास से किया था। महादेव के मना करने के बावजूद भी पार्वती की जिद पर महादेव ने इसी दिन माता पार्वती के साथ चौपड़ की बिसात खेली थी। लोग इसी दिन शगुन के कारण ताश के पत्तों की बाजी खेलते हैं। द्वापर में लोग इंद्रदेव का पूजन करके उन्हें छप्पन भोग लगाते थे। ये पकवान व मिठाइयाँ इतनी भारी मात्रा में होती थी कि उनका पूरा पहाड़ बन जाता था। कृष्ण ने इंद्र का पूजन बंद करवाकर इस दिन गौ पूजन प्रारंभ करवाया। इस दिन श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का मानवर्दन कर गिरिराज पूजन किया था। इस दिन वरुण इंद्र अग्नि देवों के पूजन का विधान है। इसी दिन गाय बैलों को स्नान कराकर फूलमाला धूप चंदन आदि से पूजन करते हैं। इसी दिन मंदिरों में अन्नकूट किया जाता है। सायंकाल गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा करते हैं। इसमें आपा मार्ग अनिवार्य रूप से रखा जाता है। जल का लोटा और जौ लेकर गोवर्धन की 7 परिक्रमाएँ लगाई जाती हैं। गोवर्धन व अन्नकूट के विशेष पूजन और उपाय से व्यक्ति स्वस्थ होता है, मनोविकार दूर होते हैं, धन की किल्लत भी खत्म होती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आज की स्पेशल पूजन विधि के बारे में। सुबह के समय घर के मुख्य द्वार या किसी मंदिर के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं और उसे वृक्ष की शाखाओं और पुष्प इत्यादि से श्रृंगारित करें। इस गोवर्धन पर्वत का अक्षत पुष्प से विधिवत पूजन करें। संध्या के समय गोवर्धन की स्थापना के पास गाय का विभिन्न अलंकारों मेहंदी आदि से श्रृंगारित करें। उसके पश्चात उनका गंध अक्षत पुष्प से पूजन करें। तत्पश्चात घर की उत्तर पूर्व दिशा में पीले कपड़े पर पीतल के कलश में जल, सिक्के, सुपारी, इत्र, सिंदूर, अक्षत आदि डालकर और उस पर पीपल के पत्ते रखकर गोवर्धन कलश स्थापित करें। पास ही राधा कृष्ण, बलि विंध्यावली और शंकर पार्वती का चित्र स्थापित करें। कौघ्रत में तेल में हल्दी मिलाकर दीपक करें। सफ़ेद चंदन से शंकर पार्वती को, पीले चंदन से राधा कृष्ण को और लाल चंदन से बलि और विंध्यावली को तिलक करें। इसके अलावा गुगल चंदन व तगर से धूप करें। राधा कृष्ण को तुलसी पत्र, शंकर पार्वती को बिल्व पत्र और बलि विंध्यावली को पीपल का पत्ता चढ़ाएं। लाल, पीले व सफ़ेद फूल चढ़ाएं, गुलाल चढ़ाएं, दूध दही गंगा जल चढ़ाएं तथा शहद व बताशे का भोग लगाएं तथा सभी देवताओं को अन्नकूट का भोग लगाएं। इस विशेष मंत्र से एक एक माला जाप करें। पूजन के बाद बताशे ब्राह्मण को दान दे दें। प्रातःकालीन गोवर्धन पूजन मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा सुबह 6:42 से लेकर 8:51 तक। संध्याकालीन गोवर्धन पूजन मुहूर्त रहेगा शाम को 3:18 से लेकर शाम को 5:27 तक। और पूजन मुहूर्त रहेगा शाम को 3:27 से लेकर शाम को 5:42 तक। गोवर्धन पूजन मंत्र है ओम गोवर्धनो अचलो धत्रे नमः। शंकर पार्वती मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। राधा कृष्ण पूजन मुहूर्त है ओम श्री गोपालाय नमः। आज के ये स्पेशल टोटके देंगे अच्छी हेल्थ के साथ साथ पारिवारिक समृद्धि, मनोविकार से मिलेगी मुक्ति और धन की किल्लत भी होगी दूर तथा अन्न धन से भरा रहेगा आपका सुखी संसार। अच्छी हेल्थ के लिए जौ सिर से वारकर कपूर से जलाकर गोवर्धन पर धूप करें। पारिवारिक समृद्धि के लिए गोप गोपीश्वराय नमः मंत्र बोलते हुए दंपत्ति गोवर्धन पर केसर चढ़ाएं।
मनोविकार से मुक्ति के लिए शहद मिले दूध में अपनी छाया देकर भगवान गोपाल पर चढ़ाएं। धन की किल्लत से मुक्ति के लिए शंकर पार्वती पर चढ़ी ताश की गड्डी चौराहे पर फेंक दें। अन्न धन की कमी दूर करने के लिए राधा कृष्ण पर अन्नकूट का भोग लगाकर पीली गाय को खिलाएं। तो फ्रेंड्स, किस्मत जंक्शन में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक को लेकर, जिसमें मैं दूंगा आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन और देखेंगे किस्मत जंक्शन का कौन सा प्लेटफॉर्म देगा आपको सक्सेस का सिग्नल। तब तक अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।